हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पेस्ट क्या होता है और इंसेक्ट और पेस्ट के बीच डिफरेंसेस क्या क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पेस्ट क्या होता है। ये जो पेस्ट वर्ड है, ये वर्ड आया है फ्रेंच के पेस्ट वर्ड से और लैटिन भाषा के पेस्टिस शब्द से। अर्थात ये पेस्ट जो होता है वो लैटिन और फ्रेंच दोनों तरह के ओरिजिन से आता है। पेस्ट का मतलब क्या होता है? प्लेग या कंटाजियस डिसीज। कंटाजियस या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं छूत रोग, या क्या है ये प्लेग। इसका मीनिंग क्या है? प्लेग या तो फिर कंटाजियस डिसीज। आगे अगर हम लोग पेस्ट को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें? पेस्ट क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मनुष्य को, पशुओं को और फसलों को डैमेज पहुंचाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरस हो, चाहे मकड़ी हो, चूहे हो, चमगादड़ हो, पक्षी हो, स्लग है, घोंघे हैं, या जो खरपतवार है, जो भी चीजें मनुष्य को आर्थिक क्षति पहुंचाएगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पेस्ट कहलाएगा। ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जंतु हो सकते हैं। याद रखना, पेस्ट होने के लिए दो क्राइटेरिया होने चाहिए। फर्स्ट, वो जो जीव है वो ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? वो लिविंग होना चाहिए, मृत ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो मनुष्य को क्या पहुंचाना चाहिए? आर्थिक क्षति पहुंचानी चाहिए, मनुष्य को डैमेज पहुंचानी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का डैमेज। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पेस्ट के अंतर्गत ये सारे ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने बात किया उनको हम लोग कैटेगरी में रखते हैं। इनके अलावा और भी कोई भी जीव हो सकते हैं जो कि मनुष्य को क्षति पहुंचा सकते हैं, उन सबको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? पेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगला हम क्या कह सकते हैं कि पेस्ट कोई भी एनिमल या कोई भी जीव हो सकता है जो कि नॉक्सियस हो, अर्थात क्षतिकारक हो, डिस्ट्रक्टिव हो और मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता हो, या मनुष्य के जो इंटरेस्ट है उसको क्षति पहुंचाता हो, उनको हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते। पेस्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी हानिकारक जीव, कोई भी हानिकारक जीव, इसे हम क्या कहेंगे? पेस्ट कहेंगे। और इन हानिकारक जीव में कोई भी जीव शामिल हो सकता है, चाहे वो फंगी, बैक्टीरिया, वायरस ही क्यों ना हो, या कोई भी एनिमल ही क्यों ना हो, जैसे चमगादड़ है, पक्षियां हैं। ठीक है, अगला हम लोग, ये जो पेस्ट होता है वो मनुष्य को किस तरह से डैमेज पहुंचाता है उसके बेस पर हम लोग कई तरह के पेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर फील्ड में मनुष्य को हानि पहुंचाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल पेस्ट। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, राइस लीफ होल्डर। यह क्या है? एक इंसेक्ट है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में मनुष्य को क्या करता है? लॉस पहुंचाता है। उसी तरह से क्या बोल सकते हैं? राइस येलो स्टेम बोरर। ठीक है, और लीफ होल्डर है या स्टेम बोरर है। तो ये जो डिसीज है वो क्या करते हैं? मनुष्य को एग्रीकल्चर के फील्ड में ही हानि पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल पेस्ट। कुछ इंसेक्ट या कुछ पेस्ट या कुछ ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट को लॉस पहुंचाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट पेस्ट कहते हैं। कुछ पेस्ट जो मनुष्य को उसके घरेलू या उसके दैनिक जीवन में हानि पहुंचाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड पेस्ट का एक मेजर एग्जाम्पल हो सकता है कॉकरोचेस। ठीक है, कॉकरोचेस क्या हो सकते हैं? एक हाउस होल्ड पेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के आसपास किचन वगैरह में रहता है, जहां पर वो उसके फूड वगैरह को पॉल्यूट करते हैं, तो वो क्या होगा? हाउस होल्ड पेस्ट। कुछ पेस्ट ऐसे हो जो मनुष्य को मेडिकली क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं हम कि
मॉस्किटो है, मनुष्य में मॉस्किटो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। और उसी तरह से कुछ फ्लाई है जैसे रॉबर फ्लाई, वो क्या करते हैं, या हॉवर फ्लाई, ये क्या करते हैं, कुछ बीमारियां फैलाते हैं इंसेक्ट में, सॉरी पशुओं में, ठीक है, या पौधों में, या कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो एक जीव से दूसरे जीव में, जैसे मॉस्किटो है वो क्या करते हैं, डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरह के पेस्ट को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मेडिकल पेस्ट के अंतर्गत। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो मनुष्य में मलेरिया डिसीज फैलाते हैं, तो ये भी मनुष्य को क्षति पहुंचा रहा है, तो ये भी क्या होगा, पेस्ट होगा। एस्थेटिक पेस्ट, एस्थेटिक मतलब होता है जो सौंदर्य है हमारे वातावरण की, जो हम आसपास देख रहे हैं, ऑर्नामेंटल्स है, उसको अगर क्षति पहुंचाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, एस्थेटिक पेस्ट। जैसे कोई गार्डन पेस्ट है, हमारे गार्डन को हम पहुंचा रहे हैं, जो हम फ्लावर लगा रहे हैं वहां पर आ रहे हैं। वेटनरी पेस्ट क्या होते हैं, ऐसे पेस्ट जो कि हमारे लाइव स्टॉक को हानि पहुंचाते हैं। लाइव स्टॉक जैसे कि पशु है, ठीक है, और जैसे हमारे कोई पोल्ट्री है, उन सबको जो हानि पहुंचाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेटनरी पेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर वेटनरी पेस्ट मुख्य रूप से कौन सा आएगा, टिक्स। टिक्स ये क्या कहते हैं, करते हैं जो एनिमल है उसके बॉडी में रहते हैं, एक तो पैरासाइट के रूप में, एक तो पैरासाइट के रूप में अर्थात बॉडी के बाहर सतह पर रहते हैं और बॉडी के अंदर अपना चेलिसरी को पेनिट्रेट करके वहां से ब्लड को सक करते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वेटनरी पेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पेस्ट को किस फील्ड को हानि पहुंचा रहे हैं मनुष्य के, उसके डिपेंड, उसके आधार पर कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगला, इंसेक्ट और पेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ इंसेक्ट हैं जो कि मनुष्य को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या इंसेक्ट और पेस्ट दोनों सेम है या दोनों अलग अलग। तो यहाँ पर एक चीज देखो, इंसेक्ट है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोड या हेक्सापोड ऑर्गेनिज्म है, ठीक, जो कि बेनिफिशियल के साथ साथ हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दो यहाँ पर एक ग्रॉस ऑफर ग्रॉसा पर, और दूसरा ले सकते हैं हनी बी, और तीसरा ले सकते हैं बटरफ्लाई। तीन इंसेक्ट है हमारे पास, इनमें से अगला पेस्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज इकोनॉमिक डैमेज टू मैन, ऑलवेज हार्मफुल, ठीक। तो एक चीज याद रखो, इंसेक्ट क्या होगा, इंसेक्ट केवल और केवल आर्थ्रोपोड हेक्सापोड ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, ठीक, और ये क्या हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं, जैसे हनी भी लाभकारी है हमारे लिए क्योंकि ये पोलिनेशन करता है, हनी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ग्रॉस अपर हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इंसेक्ट क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकता है, और ये आर्थ्रोपोड या हेक्सापोड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम पेस्ट के बारे में बात करें तो पेस्ट को क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइट हो, टिक्स हो, या बैट हो, बर्ड्स हो, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो कि मनुष्य को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट हमेशा हार्मफुल ही रहेंगे, और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। अगला एक चीज याद रखो, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे कि ग्रास ऑपर है, हनी भी है, बटरफ्लाई है, ठीक है, तीन है हमारे पास। इनमें से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल पेस्ट और नॉट इंसेक्ट, ऑल पेस्ट और नॉट इंसेक्ट, और ऑल इंसेक्ट और नॉट पेस्ट। ये वाला को देखो कैसे होगा, ऑल इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट, सभी इंसेक्ट जो है वो पेस्ट नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन इंसेक्ट के नाम दिए हुए हैं, उनमें से हनी भी क्या है, हनी भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, वही ग्रास ऑपर हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर क्या है, सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं है, मतलब सभी इंसेक्ट हानिकारक नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अगला हमारा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑल पेस्ट और नॉट इंसेक्ट, कैसे, क्योंकि तो पेस्ट के अंतर्गत कुछ भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है जो मनुष्य को डैमेज पहुंचाएगा। क्या यह फंगी इंसेक्ट है, नहीं,
बैक्टीरिया इंसेक्ट है, नहीं रोडेंट इंसेक्ट है, नहीं। तो जितने भी पेस्ट है, जरूरी नहीं कि वो इंसेक्ट ही हो, पेस्ट के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि इंसेक्ट भी पेस्ट के अंदर इंक्लूड है, लेकिन जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा पेस्ट को डिनोट कर रहा है, तो पेस्ट के अंदर जो इंसेक्ट है वो थोड़ा सा ही पार्ट कवर करता है, ठीक है। बाकी पेस्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो सकता है, जैसे ये रोडेंट हो सकता है, ठीक है, ये माइट हो सकता है, ये बर्ड्स भी हो सकता है, ये ह्यूमन हो सकता है, तो ये क्या हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं। तो पेस्ट एक बहुत कम है जिसके अंदर इंसेक्ट एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। वही एक पूरे इंसेक्ट है, उसका कुछ ही पार्ट, अगर हम इसको इंसेक्ट बोले, तो इस इंसेक्ट का कुछ ही पार्ट क्या हो सकता है, पेस्ट होगा। अगला यहाँ पर, ऑल इंसेक्ट आर नॉट हार्मफुल। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सभी के सभी क्या है, इंसेक्ट है, लेकिन सभी के सभी हार्मफुल नहीं है। हनी भी क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल है। बटरफ्लाई हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन बटरफ्लाई का एक स्टेज है, लार्वी स्टेज, जिसमें ये डैमेज पहुंचाता है। तो बटरफ्लाई दोनों हो सकते हैं, हार्मफुल और बेनिफिशियल। अगर ये लार्वी स्टेज में है और हमारे प्लांट को डिसीज कॉज कर रहा है या सॉरी हानि पहुंचा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, पेस्ट कहलाएंगे। लेकिन वही एडल्ट स्टेज में जब ये बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, पोलिनेशन करता है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऑल इंसेक्ट आर नॉट हार्मफुल, ठीक। ऑल पेस्ट आर हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ही देखा कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज इकोनॉमिक डैमेज, मतलब कॉज करेगा ही करेगा वो इकोनॉमिक डैमेज, अर्थात जो भी पेस्ट होगा वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। अर्थात पेस्ट क्या होगा, ये जितने भी होगा वो हार्मफुल होगा। ऑल इंसेक्ट आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा जो कि प्लांट में डिसीज कॉज करेगा वही क्या होगा, हार्मफुल। बाकी का जो पोर्शन है वो हार्मफुल नहीं होगा। जैसे बाकी का पोर्शन यहाँ पर क्या आ सकता है, जैसे हनी भी है, कई स्टेंजर है, कई पॉलिनेटर्स है, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा कि पेस्ट क्या होता है और इंसेक्ट और पेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट के कैटेगरी को डिसाइड करेंगे, पेस्ट के कैटेगरी की स्टडी करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के पेस्ट होते क्या हैं। उसके बाद आगे हम लोग ETL लेवल, EIL लेवल, ये सारे जो डिफरेंट पेस्ट को डिसाइड करने के क्राइटेरिया, हम उनको स्टडी करेंगे। और आगे हम लोग इसी तरह से लेक्चर को IPM की ओर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एग्जाम अगर दे लो आप, चाहे PSC वगैरह भी अगर बैठोगे तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही एक टॉपिक है IPM, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी करंट ओरिएंटेड भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।